आदाब नमस्कार, सहारनपुर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद शौकीन, पेश है आज के मुख्य समाचार। सहारनपुर महोत्सव में झूला टूटने से हुआ हादसा, कई लोग हुए घायल। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के कार्यकर्ताओं ने दिया तहसील सदर में धरना। नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर शिवसेना ने प्रदर्शन कर सौंपा नगर आयुक्त को ज्ञापन। जिला कांग्रेस कार्यालय पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया राहुल गांधी का जन्मदिन। आगामी 8 जुलाई को व्यापार मंडल द्वारा एसएम इंटर कॉलेज में लगाया जाएगा विशाल स्वास्थ्य शिविर। पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण शहर में लगा रहा जाम। और अब खबरें विस्तार से। जनता रोड स्थित महाराज सिंह कॉलेज के मैदान में चल रहे सहारनपुर महोत्सव में रात उस समय भगदड़ मच गई जब वहां लगे जिग जैग झूले के गियर टायर का पंचर हो गया और ऑपरेटर झूले को छोड़कर फरार हो गया, जिसके कारण लोगों में भगदड़ मच गई और कुछ लोग चलते झूले से कूदने लगे। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बामुश्किल झूले को रोका और कुछ लोग उसमें घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंचे SPCD ने झूले को सीज करने के आदेश दिए। आठ सूत्रीय मांगों को लेकर आज तहसील सदर में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राममूर्त यादव के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर एक दिवस से धरना दिया और उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हमारे धरने प्रदर्शन आगे भी जारी रहेंगे। नगर की समस्याओं को लेकर आज शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ठाकुर कुलदीप सिंह पुंडीर के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर एक ज्ञापन नगर आयुक्त को सौंपा। उन्होंने मांग की है कि नगर की समस्याओं को जल्द से जल्द हल कराया जाए। जनता के सम्मान में, जनता के सम्मान में, शिवसेना मैदान में, शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। जिला कांग्रेस कार्यालय पर आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और राहुल गांधी की लंबी उम्र की कामना भी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष शशि वालिया सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। व्यापारी भवन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए आज व्यापार मंडल के अध्यक्ष विवेक मोर्चा ने बताया कि आगामी 8 जुलाई को मणिपाल अस्पताल में व्यापार मंडल द्वारा SM इंटर कॉलेज में एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली से आए चिकित्सक रोगियों की जांच करेंगे। शिविर तो बहुत सारी जगहों पर लगते हैं, लेकिन स्वास्थ्य मेले के रूप में, जिसमें आप जिस बीमारी का नाम लेंगे और ऐसी बीमारी जिसके लिए डॉक्टर्स को मिलने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, वो डॉक्टर्स आपके डोर स्टेप पर आपके सामने खड़े हुए होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस स्वास्थ्य मेला में हमारे डॉक्टर अमित भसीन जो गैस्ट्रोलॉजी से डिपार्टमेंट से हैं, डॉक्टर विकास गुप्ता जो न्यूरोसर्जन हैं, डॉक्टर आशीष वशिष्ठ जो ENT हैं, डॉक्टर शारिक हुडा जो कार्डियो को देखते हैं, डॉक्टर मुनिंद्र कुमार नेफ्रो और डॉक्टर राजीव वर्मा ऑर्थो,
डॉक्टर शीबा कल्याण बिस्वाल, डीएम पल्मोनरी मेडिसिन, ये सभी लोग यहाँ पर आएंगे। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे टेस्ट जिसके लिए सैकड़ों और हजारों रुपया एक आम आदमी को उन टेस्ट को करवाने के लिए खर्च करना पड़ता है, वो टेस्ट भी स्वास्थ्य मेले के अंदर निःशुल्क किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज पुलिस लाइन स्थित मैदान में त्रिदिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष व बच्चों ने भागीदारी की और योग के बारे में जानकारी भी ली। भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम शांति अंतरिक्ष। बसपा पार्षद चंद्रजीत सिंह निक्कू ने आज नगर आयुक्त को एक ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया है कि उनको मिलने वाले बैठक भत्ते को उनको ना देकर शहर के विकास कार्यों में लगाया जाए, जिससे शहर का विकास और ज्यादा हो सके। चंद्रजीत सिंह निक्कू, पार्षद दल नेता, बहुजन समाज पार्टी। मैंने आज नगर आयुक्त महोदय से ये निवेदन किया है कि जो पार्षद को भत्ता मिलता है बैठक में उपस्थित होने का, वो भत्ता मुझे ना दिया जाकर मेरे शहर के विकास में उस भत्ते का इस्तेमाल हो। और नगर आयुक्त साहब ने आश्वासन दिया है और अकाउंटेंट साहब को आदेश भी कर दिए हैं कि उस भत्ते का उपयोग शहर के विकास में किया जाए। पुलिस भर्ती परीक्षा के आज दूसरे दिन भी शहर में जाम की स्थिति बनी रही, जिसके कारण शहरवासियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर भी भारी भीड़ जमा रही। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।